क्या कहा अभिषेक बच्चन ने अपने आने वाली फिल्म द बिग बुल के बारे में, क्या अजीब बात है इस फिल्म के बारे में। बॉलीग्रेड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत है। सिल्वर स्क्रीन से एक साल तक दूर रहने के बाद अभिषेक बच्चन ने अपनी आने वाली फिल्म द बिग बुल में अपने इम्प्रेसिव लुक से सभी फैंस का दिल जीत लिया है। अभिषेक बच्चन की द बिग बुल फिल्म की एक डिजिटल रिलीज होगी। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज होगी और फिल्म की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। द बिग बुल के पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और इसमें अभिषेक एक शातिर बिजनेसमैन के रूप में दिख रहे हैं, जो कि चश्मा लगाए और सूट पहने किसी गहरी सोच विचार में बैठे हैं। बिग बुल का टैगलाइन है द मैन हु सोल्ड ड्रीम्स ऑफ इंडिया और ये फिल्म हर्षद मेहता के स्कैम पर बेस्ड है। अभिषेक ने बताया कि द बिग बुल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। ये फिल्म लेट 1980s और अर्ली 1990s में मुंबई में बेस्ड है। ये राग से लेकर रिचेस की कहानी है। ये कहानी एम्बिशन की है। कहानी दर्शाती है कि कैसे अगर एक इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। ये कहानी डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस की है, साथ ही दिमाग की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बहुत ही वंडरफुल कहानी है और इसकी कास्ट भी वंडरफुल है। और इस फिल्म में इलियाना डिक्रूज, निकिता दत्त और सोहम शाह जैसे कलाकार काम कर रहे हैं। सेम तौर पर फिल्म बनाने के बाद एक फिल्म की प्रमोशन की जाती है, यानी कि अलग अलग टीवी शोज और एडवर्टाइजमेंट्स में फिल्म की रिलीज डेट के बारे में और फिल्म को क्यों देखना चाहिए बताया जाता है। इससे लोगों को फिल्म की जानकारी मिलती है और वो फिल्म देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जिस फिल्म की प्रमोशन अच्छी तरह से होती है उस फिल्म की कमाई अच्छी होती है, क्योंकि ऑडियंस को पता चलते ही कुछ ऑडियंस फिल्म को देखने जरूर जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्म की प्रमोशन का फिल्म को मिले रेस्पॉन्स और कमाई पर काफ़ी असर पड़ता है। सेम तौर पर फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होने के बाद फिल्म की प्रमोशन की जाती है, ताकि लोगों को एक्टर्स ये बता सके कि फिल्म कब रिलीज हो रही है और ऑडियंस इसे कब देखने जा सकते हैं। पर द बिग बुल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिल्म की एक चौंकाने वाली बात तो ये है कि फिल्म की प्रमोशन हो चुकी है पर अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। दरअसल कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में अभिषेक बच्चन, निकिता दत्त और फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन इस फिल्म की प्रमोशन कर चुके हैं और फिल्म की कहानी के बारे में भी हिंट दे चुके हैं, पर फिल्म की रिलीज डेट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये अब तक डिसाइडेड नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि जूनियर बी की ये फिल्म उनके लिए कैरियर चेंजिंग फिल्म साबित होगी? कॉमेंट कर हमें अपने राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।